चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यूपी स्टेट का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है और ये 20 अगस्त 24 से स्टार्ट है, यानी रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 24 से स्टार्ट है। जहां पर ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन खत्म होगा वहीं से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, यानी कि 20 अगस्त को ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है और यूपी का रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त से ही स्टार्ट होगा। तो एक बार शेड्यूल देख लेते हैं इसका, और इसमें डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जो डेट है वो 20 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक है, दोपहर 11 बजे तक है। ये 4 दिन का समय दिया गया है इसमें। और इसके बाद में सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करने की जो डेट है वो 20 अगस्त से 24 अगस्त तक दोपहर 2 बजे तक है इसमें। इसके बाद में इसमें मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी 24 अगस्त को, और इसमें ऑनलाइन च्वाइस फिल कर सकते हैं 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 24 तक। और इसमें अलॉटमेंट का रिजल्ट 30 अगस्त 24 को आ जाएगा, और इसमें अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 24 तक। अब इसकी जो कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर इसकी जो वेबसाइट है https ये upneet.gov.in है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 2000 रुपीज़ सभी के लिए है। इसमें जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो 30,000 गवर्नमेंट की कंडीशन में डिपॉजिट होती है, और प्राइवेट की कंडीशन में इसमें 2,00,000 रुपीज़ डिपॉजिट होते हैं, और डेंटल की कंडीशन में 1,00,000 प्राइवेट डेंटल की कंडीशन में 1,00,000 रुपये डिपॉजिट होंगे यहाँ पर। अब इसमें च्वाइस फिल है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के बाद ही होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ नोडल सेंटर द्वारा किए जाते हैं और वो ऑनलाइन ही होते हैं यहाँ पर। और इसमें जो एक मेन बात है वो ये है कि आपको च्वाइस फिल करने के बाद में लॉक करना ज़रूरी है यूपी स्टेट में। अगर लॉक नहीं करते हैं तो इसके बाद में इस फर्स्ट राउंड के लिए कंसिडर नहीं होते हैं। तो ये जानकारी थी यूपी स्टेट के ऑनलाइन शेड्यूल के बारे में। अभी इसमें 10 डेज का समय है, तो आप 20 अगस्त 24 से ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बारे में और कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।